एक दिन अचानक मुझे बुलावा आया हाँ। और लक्ष्मीकांत जी का एक कजन ब्रदर था जो गांव से आया था हाँ। सुदेश भोसले चला लोकर तिकड़े महबूबला पहुंचा जोर लाऊन गावात ऐसा वो बोलते थे। तो मैं पहुंचा वहां, देखा कि 80 म्यूजिशियंस हैं हाँ। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी चल रहा उनका बैलेंसिंग वगैरह, क्या बात। और लक्ष्मीकांत जी ने मुझे गाना लिखवाया, या अली या अली, मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शब्बीर कुमार से बात कर रहे हैं हाँ। हाँ, बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कौन लक्ष्मीकांत? मैं म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारे। सर प्रणाम सर, आपने मुझ नाचिस को कैसे याद किया? You know, Lakshmi ji would be with his harmonium okay. and Pyare Bhai there. Hmm. And they would come out with this magical number, magical song. Let's rewind all the way back to your childhood and your first early memories of kaun si picture jo aapko yaad hai jisme Lakshmi Pyare ke gaane. I of course will start with Bobby because mujhe sabse pehle Bobby yaad hai. Absolutely. Hai na? Maine Bobby kitni baar dekhi and yeah. I live close to Chandan Cinema. Yeah. And झूठ बोल के, स्कूल बंक करके, मतलब क्या नहीं किया ना। I've seen Bobby, I don't know how many times. तो झूठ बोले कौवा काटे, कौवा ने काटा ही नहीं। Absolutely. You know, it's so interesting कि आपके जितने भी टर्निंग पॉइंट्स रहे ना आपके करियर के, उनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आपके साथ थे। सोचो, आपका पहला सत्यम शिवम सुंदरम, योर फर्स्ट, राइट? देन द सेकंड मेजर वॉज प्रेम रोग, जिसके लिए you got, you know, the best actress award, and of course Woh Saat Din also, you know, which came around the same time, and let's not forget Pyar Jhukta Nahi. Pyar Jhukta Nahi. तो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी में उनकी फितरत में, उनके स्टाइल में आपको क्या क्या समानता और क्या अलग अलग लगा आपको? You observed both of them. They were one. Yeah. मतलब पता नहीं उनकी क्या ट्यूनिंग थी कि you know, Lakshmi ji would be with his harmonium okay. and Pyare Bhai there. Hmm. And they would come out with this magical number, magical song. So one really wondered ki unki kya tuning thi, you know. You could see it, you could feel it. Lakshmikant Pyarelal ki music ka sabse bada USP, you work with him in so many films. Sabse bada USP kya raha hai? You know, unke jo gaane the, तीन अंतरे अगर होते थे, तीनों अंतरे अलग होते थे। Yes, totally. Like, ये गलियां ये चौबारा ही देख लीजिए। ये गलियां ये चौबारा, प्रेम रोग, एक दूजे, आप कोई भी गाना उठाइए, कोई भी गाना उठाइए, तीनों अंतरे उनके अलग होते थे। And that's what made it so difficult. और उनका जो ऑर्केस्ट्रा और जो वायलेंस और उनकी जो मेलोडी ट्यून्स। लक्ष्मी प्यारे जी से आप क्या कहते हैं? लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी का मतलब इतना बड़ा, क्या कहते हैं, योगदान, क्या कहूँगा, एहसान है मुझ पर। 82 से स्टेज पर गाता था मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में, अलग अलग आवाज़ों में और वगैरह वगैरह। और एक ये इच्छा थी कि प्लेबैक सिंगर बनूँ मैं। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी से मिलता था तो लक्ष्मी जी बोलते थे, तू आते रहना, तेरा कुछ ना कुछ मैं करूँगा, अगले साल तक कुछ करूंगा। एक दिन अचानक मुझे बुलावा आया हाँ। और लक्ष्मीकांत जी का एक कजन ब्रदर था जो गांव से आया था हाँ। सुदेश भोसले चला लोकर तिकड़े महबूबला पहुंचा जोर लाऊन गावात, ऐसा वो बोलते थे। तो मैं पहुंचा वहां, देखा कि 80 म्यूजिशियंस हैं हाँ। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी चल रहा उनका बैलेंसिंग वगैरह, क्या बात। और लक्ष्मीकांत जी ने मुझे गाना लिखवाया, या अली या अली, मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। मैंने लिखा और उन्होंने ट्यून मुझे सिखाई, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। टेक से पहले लक्ष्मी जी ने बोला, शशि जी, ये जो लड़का है ये अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है, साउंड बना, ये उन्हें साउंड बोलता है। तो शशि जी बोले, सुनाइए। तो मैंने ये जो गाने की लाइनें थी ना, बोले, या ली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहां मस्जिद वाली गली। शशि बोले, अरे लक्ष्मी जी, परसों वाला गाना मामी जी से नहीं, इन्हें से कराया गया, क्या बात है। और मेरा पहला गाना रिकॉर्ड होने से पहले मेरे दूसरे गाने की बुकिंग हुई। तो
वो गाना रिकॉर्ड हुआ, शाम को लक्ष्मी जी ने कहा तुमने बहुत अच्छा गाया, तेरा ही रहेगा। अच्छा मैं तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का सिंगर था, मुझे सारे गाना पता नहीं था, कुछ समझ नहीं, लेकिन मैं जब जब भी उनके यहाँ गया तो मुझे बुलाया गया, बैठो चाय पिलाई गई और मुझे कहा गया कि आप आते रहो रोज शाम को 7 बजे यहाँ बैठना और देखना हम गाने कैसे बनाते। अच्छा। और मेरा कोई लेना देना नहीं था उनसे, ना मेरी जान पहचान थी, लेकिन वो मुझे बुलाते थे और मेरा गाना नहीं था, किसी और सिंगर का, कोई एस्टैब्लिश सिंगर गाने वाले होते थे, लेकिन वो रोज मुझे बुलाते थे, इतना प्यार या इतनी रिस्पेक्ट। तो ये मैंने सीखा। दूसरी बात ना, लोग ना ऐसे ही तकदीर से बड़े नहीं होते। मैंने जितने लोगों के साथ भी काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बच्चन साहब, लता जी, आशा जी और किशोर दा, ये ना इन्होंने ना जितने भी बड़े लोगों के साथ काम किया, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम बड़े हैं, वी आर ग्रेट। ये सबसे बड़ी बात। और आज भी प्यारे भाई का आप चेहरा देखेंगे अगर उनके किसी गाने की तारीफ करते हैं तो, और फिर जब वो एक एक किस्से सुनाते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में, तो मतलब वो बैठ के हमको गाना नहीं सिखाते, लेकिन सिर्फ बैठना है चुपचाप, उनके एक एक एक्सपीरियंसेस, उनके एक एक किस्से सुनते हैं ना, तो वो ज्ञान आपका बढ़ जाता है। फिर बहुशा जी की कॉल आई मेरे पास कि शब्बीर एक गाना है, बॉम्बे आ जाइए। तो एक ग्रुप सॉन्ग था फिल्म तजुर्बा का, और उसमें मुझे 5वां सिंगर डाला। उन्होंने सुना, बोले शब्बीर अच्छा अच्छे लगे आवाज तुम्हारी। अब मैं तो अपनी आवाज को रफी साहब के साथ हमेशा कंपेयर करता था। हाँ। अब दिमाग से अच्छी कैसी लगी इनको पता नहीं, मैं निकल गया। अब यहाँ रफी साहब के बगैर तो सब मतलब खलासा छा गया था। हाँ। रफी साहब क्या क्या करेंगे क्या करेंगे, तो उनको पता चला कि उषा खन्ना ने किसी लड़के गुजरात के लड़के को गवाया है। किसको पता चला? लक्ष्मी जी को। अच्छा। उड़ती उड़ती खबर गई उनके पास, तो उन्होंने उषा जी को फोन किया कि उषा जी तुमने किसी लड़के को गवाया जो बड़ौदा का है। हाँ। तो उसका वो ट्रांसफर मुझे भेजिए। हाँ। उसके बाद सडनली जैसा हमेशा की तरह बुलावा आता है ट्रांसपोर्ट कंपनी से, शब्बीर भाई आपकी कॉल है। अच्छा अच्छा। मैंने उठाया, शब्बीर कुमार से बात कर रही है। हाँ, हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कौन लक्ष्मीकांत? मैं म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लक्ष्मीकांत। सर प्रणाम सर, आपने मुझ नाचिस को कैसे याद किया? हाँ। बोले हम चाहते हैं आप कल यहाँ बॉम्बे आ जाइए। हाँ। तो मैं अब जैसे तैसे पारस मंडी बंगले पहुंचा हुआ। मैंने कहा सर ये जो आपके पास है ना हारमोनियम, मैं आपको पहले बता दूं इसमें एक काली दो ये कुछ ये क्या है सर, मैं नहीं जानता। और मुझे गाना वाना आता ही नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो मैं सुनाऊंगा। तो मैंने उनका गाना सुनाया। कौन सा? कहाँ तेरा इंसाफ है कहाँ तक तेरा दस्तूर, फिल्म सरगम का। अच्छा। उस वक्त सरगम के गाने बहुत चल रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो उनका रिदमिस्ट जो था उसको बोला सुधीर, मराठी में बोला गया रिदम लाओ रिदम लाओ। हाँ। जैसे मेरी लड़का रिदम में है कि नहीं देखने। हाँ। या हारमोनियम रखी हो आगे। हाँ। वो पीक दानी हो हमेशा। हाँ। और एक रुमाल गया एक रुमाल जा रहे थे जी जी जी। पता है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अब तक रफी साहब के गाने गाते आए हैं तो उनमें आपको रफी साहब को पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा है, पूरी गाइडेंस आपको मिलती है कि पहली लाइन रफी साहब ने कैसी कही है, दूसरी लाइन को उन्होंने कैसे अदा किया है, अल्फाजों की अदायगी कैसी, सब बराबर सुनकर पूरा गाइडेंस उसको आप सुनकर, एक गाने को 100 बार सुनते हैं उसके बाद आप उसको गाते हैं। लेकिन अगर आपको नया गाना मिला जाए जिसमें कोई किसी गाइडेंस नहीं है, रफी साहब ने गाया नहीं है, किसी ने नहीं गाया, तो आपको गाना भी दिया जाए तो आप कैसे गाना करेंगे? तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने मुझे पेन पेपर दिया। हाँ। जी और लिखिए। हाँ। मुझे पीने का शौक नहीं। हाँ। पीता हूं गम भुलाने को। वाह वाह वाह। ये दो लाइन मुझसे लिखवाई। हाँ। और फिर हारमोनियम पे उसकी ट्यून बताई। हाँ, हाँ। ये पहली लाइन ऐसी है, सेकंड लाइन ऐसी है। अब इसको आप कैसे गाएंगे, इसमें कोई मार्गदर्शन नहीं है। अच्छा। कोरे कागज की तरह है गाना है। तो सर मैंने कोशिश करता हूँ मैं। देन मैंने गाया है, मुझे पता नहीं उन्होंने हारमोनियम के साइड पे एक टेप रिकॉर्डर। अच्छा। रखा था। हाँ।
तो बाद में जब उनके चार पांच गाने गा लिए उसके बाद उन्होंने बाद में मुझे बताया लक्ष्मी जी ने, अच्छा कि तू जब गाकर गया ना, हाँ हाँ, तो तेरा गाना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। माय गॉड। उसके बाद तेरे जाने के बाद मैं लैंडलाइन पर हूँ, मोबाइल नहीं था, ऑफ कोर्स लैंडलाइन पे वो टेप रिकॉर्ड से प्यारे जी को मैंने, वो गुजरात का लड़का है जो शब्बीर, वो ऐसे गाता है उसकी आवाज़ में, फिर वहीं से उन्होंने मनमोहन देसाई को सुनाया, अच्छा कि वो लड़का जो आया वो ऐसे गाता है ये, अच्छा तो ठीक है भाई शाम को मिलते हैं। हाँ रात ही मैंने कहा कि देखिए भाई आपने जिस सोच से मुझे बुलाया है, जो आपका तस्वूर है कि मैं रफी साहब के बाद मैं शब्बीर को गाऊंगा, तो आप अगर कुछ ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ आपको रिजल्ट दूंगा तो आप 100% मायूस होंगे, क्योंकि मुझे गाना वाना आता नहीं साहब, और मेरा इतना बड़ा ख्वाब भी नहीं कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा फिर वापस में कुछ मीटिंग किया और मेरे ख्याल से फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में इसकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 170 पीसेस ऑर्केस्ट्रा के अंदर मेरी वॉइस टेस्ट की गई है। आई थिंक कुछ 25 या 30 तो कोरस सिंगर्स थे ना आपके साथ? 25 कोरस थे। या और गाना कौन सा था? मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। अरे तो इतना मुश्किल गाना इसी से शुरुआत की? हाँ इससे। तो साहब वो मुझे पता नहीं कि मुझे ये क्यों गवा रहे हैं। हाँ। तो मैंने पहले सर मुझे गाना आता हाँ, नहीं है। हाँ। अगर आपको ये सोच के कि कुछ ऐसा रिजल्ट दूंगा तो आप निराशा मिलेगी आपको। हाँ। और उसके बाद उन्होंने 70 mm स्क्रीन पे हाँ। सुना वो गाने। हाँ। पूरा रिजल्ट सुनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अमिताभ बच्चन जी के लिए कुली के गाने शब्बीर कुमार गाएंगे। माय गॉड। और देखिए कमाल की बात कि न सिर्फ उस पिक्चर में आपने अमिताभ बच्चन के लिए गाया बल्कि जनरली उस जमाने में ऐसा होता था कि एक एक्टर के ऊपर एक आवाज और दूसरे, उसमें आपने ऋषि कपूर के लिए भी गाना गाया। मुझे पीने का शौक नहीं, मतलब सारे गाने आप ही के। सारे गाने मेरे। रेडियो नशा।